और अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिन्होंने हल्का एनए 249 में दोबारा इंतखाब कराने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं डेस्का की तरह एनए 249 का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। मैं किसी सियासी एक्टिविटी में नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम लगना समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत न सिर्फ ये 2.5 साल बल्कि अगले 5 साल भी हुकूमत बनाएगी। गवर्नर हाउस कराची में केएफसी हायर एजुकेशन प्रोग्राम की मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि केएफसी ने 2 करोड़ रुपए से जायद की स्कॉलरशिप जारी की है। ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन के पास फीस जमा कराने की सकत नहीं, वो इस प्रोग्राम के तहत तालीम हासिल कर सकते हैं। जो वजीर आजम का प्रोग्राम है रियासत मदीना की तरफ एक कदम बढ़ाना, और उसमें हमने कोशिश की है कि तमाम लोगों को, तमाम एंटरप्राइजेस को इस चीज से बावर कराएं कि ये इस प्रोग्राम में वो अपनी जानिब से हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं। तो उस सूरत में हमें केएफसी से बड़ी अच्छी हेल्प ये मिली है कि इन्होंने 2,40,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जो मुस्तहिक हैं। यानी ये स्कॉलरशिप दूसरी स्कॉलरशिप से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये वो नहीं है कि जिस बच्चे के ग्रेड अच्छे आएंगे उसको उतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये उन बच्चों के लिए है जो मुस्तहिक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, जिनके पास टैलेंट है लेकिन वसाइल नहीं है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एनए 249 का इलेक्शन भी दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। साथ ही कहा कि पीटीआई न सिर्फ ये 5 साल मुकम्मल करेगी बल्कि अगले 5 साल भी हुकूमत करेगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का इलेक्शन एनए 249 का हुआ है, ये री इलेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने डस्का में री इलेक्शन करवाया, जिसकी उस वक्त जरूरत नहीं थी, 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बात हो रही थी और इलेक्शन पूरे डस्का का दोबारा कराया गया। इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर वही स्टैंडर्ड इन्होंने बरकरार रखना है और अक्रॉस बोर्ड बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन को एनए 249 का इलेक्शन दोबारा कराना चाहिए। सीईओ केएफसी रजा पीर ने कहा कि केएफसी डिसेबल बच्चों की वर्किंग के लिए भी प्लेटफॉर्म के बाद आज एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। जो बच्चे टैलेंट रखते हैं और अच्छे तालीमी इदारे में जाने का ख्वाब रखते हैं, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। एजुकेशन एक बहुत जरूरी चीज है किसी भी कॉम को बिल्ड करने के लिए, और केएफसी एज अ ब्रांड ये बिलीव करता है कि वी वांट टू बी अ 365 डेज गिविंग कंपनी, कि जिस कम्युनिटी में हम बिजनेस करते हैं उस कम्युनिटी को हमने सपोर्ट भी करना है। उसी के तहत हमने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है और उसके की हाइलाइट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। की हाइलाइट्स ये हैं कि ये स्कॉलरशिप उन तमाम बच्चों के लिए है जो अंडर प्रिविलेज हैं बट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं और जो ड्रीम रखते हैं किसी अच्छे तालीमी इदारे में जाके अपनी हायर एजुकेशन को अचीव करना। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मजीद कहना था कि सिंध में सरकारी स्कूलों पर तवज्जो देने की जरूरत है, आला तालीम तक बच्चे अपनी मेहनत से पहुंचते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मालूम नहीं इमरान खान का नाम सुनकर क्यों घबराते हैं। वजीर आला सिंध से कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है,